हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुकुल परिषद यूट्यूब चैनल, अ परफेक्ट चॉइस फॉर योर स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। हमने वहां पे पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, डेफिनेशंस पढ़ी केमिकल रिएक्शंस की और कुछ एग्जाम्पल्स को भी हमने स्टडी किया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ चेंज, चेंज के टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो जनरली केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज दैट टेक प्लेस, दो तरह के चेंज होते हैं जो टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। तो चलिए सबसे पहले स्टडी करते हैं फिजिकल चेंज की। तो फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करूं, द प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड नोन एज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज कौन से चेंज होंगे, वो चेंज जिनके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। फिजिकल चेंज कौन से चेंज होंगे जिनके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। या अगर मैं एक दूसरी लैंग्वेज में बात करूं अगर फिजिकल चेंज की, तो हम बोल सकते हैं फिजिकल चेंज आर दो चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और अदर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज विद द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो फिजिकल चेंज में हम एक और तरह से बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज वो चेंज होंगे जिसमें एक नया सब्सटेंस तो बनेगा लेकिन उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। किससे सेम रहेगी, जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था, जो क्या था हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था, उससे क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं हम, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का क्या होना, मेल्ट होना, यानी कि बर्फ थी हमारे पास, वो क्या हो गई, पिघल गई, मेल्ट हो गई, और मेल्ट होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो वॉटर के अंदर या वॉटर में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वॉटर में। अब देखो पहले हमारे पास आइस थी, ठीक है, आइस क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंस था हमारे पास, जैसे ही वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वॉटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो वॉटर तो हमारे लिए एक नया सब्सटेंस हुआ ना, क्योंकि हमारे पास तो आइस थी, आइस कन्वर्ट हो गई वॉटर में या मेल्ट हो गई, किसके अंदर, वॉटर में मेल्ट हो गई वो, तो वॉटर तो देखो हमारे लिए नया सब्सटेंस हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम आइस की और किसकी, वॉटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, अब देखो जो बात होती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम दो तरह की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो दोनों प्रॉपर्टी को कैसे समझोगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, वर्ड आ रहा है फिजिकल, फिजिकल का मतलब एक तरह से आउटर कैरेक्टर्स, क्या होंगे, आउटर कैरेक्टर्स या आउटर प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं डेफिनेशन दूं आपको, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर स्टडीड विदाउट द चेंज इन कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होगी जिनको हम जब स्टडी करेंगे, अगर हम जो हमारे पास मटेरियल है या सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहीं पर हम बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस थी हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं आइस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ, आइस की में अगर मैं क्या बात करूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे उसकी स्टेट, आइस की क्या हो गई, स्टेट, ठीक है। तुम्हें पता है आइस कैसी होती है, सॉलिड, आइस कैसी होती है, सॉलिड, या आइस की स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड स्टेट। लेकिन जैसे ही वो मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद वॉटर में कन्वर्ट हो गई, अब वॉटर की बात करें हम, तो वॉटर की स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड स्टेट, वॉटर की स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड स्टेट। तो देखो यहाँ पे स्टेट में चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, स्टेट में, ठीक है। और स्टेट क्या है, एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो हम बोल सकते हैं फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होंगी जिसके अंदर अगर हम उस सब्सटेंस की कंपोजिशन में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, अगर हम कंपोजिशन में चेंज करेंगे, और कंपोजिशन में चेंज करने के बाद जो प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, या जो प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देंगी, उन प्रॉपर्टीज को हम नाम देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मेल्टिंग ऑफ आइस को ही देखते हैं, आइस है, ठीक है, आइस सॉलिड फॉर्म में,
अब देखो आइस है क्या, वोटर ही तो है आइस, आइस है क्या, वोटर है बस। वोटर क्या हो गया, सोलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपको बताया वोटर का क्या फॉर्मूला होता है, वोटर का फॉर्मूला होता है H2O। वोटर का क्या फॉर्मूला होता है H2O। अब अगर मैं बात करूं वोटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, तो उसमें भी क्या मिलना है हमको, H2O ही मिलना है। और आइस जब मेल्ट हो गई वोटर में कन्वर्ट हो गई, तो उसके अंदर भी क्या मिलना है, हमें H2O ही मिलना है, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन मिलने हैं। तो देखो वो क्या है, इसकी कंपोजिशन है, वो क्या है, इसकी कंपोजिशन है। तो देखो कंपोजिशन आइस की फॉर्म में भी सेम, वोटर के फॉर्म में भी सेम, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो फिजिकल चेंज को हम बोल सकते हैं दो चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी आर चेंज्ड, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बट नो इफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हमने क्या नाम दिया, फिजिकल चेंज नाम दिया। जैसे और एग्जांपल पढ़ते हैं हम, इवेपोरेशन ऑफ वॉटर, वॉटर का क्या हो जाना, इवेपोरेशन। अब देखो वॉटर है, वॉटर की स्टेट कैसी, लिक्विड। जैसे हमने वॉटर को हीट प्रोवाइड की, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वॉटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, इवेपोरेशन। क्या नाम दिया हमने, इवेपोरेशन। और वॉटर वेपर्स किस फॉर्म में होंगे, हमारे गैसियस फॉर्म में होंगे, किस फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। अब देखो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई, पहले लिक्विड स्टेट थी, वेपर्स में गैसियस स्टेट हो गई, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, तो केमिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, वॉटर था उसके अंदर H2O, वॉटर वेपर्स थे उसके अंदर भी H2O ही है, यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ बट केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमारे पास, टियरिंग ऑफ पेपर, पेपर का क्या होना, टियरिंग या पेपर को फाड़ देना, ठीक है। अब जैसे हमारे पास पेपर था, ठीक है, हमने पेपर को क्या कर दिया, बीच में से फाड़ दिया। अब क्या हुआ, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, किसमें डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेकिन क्या उसकी कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट पड़ा, कंपोजिशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कंपोजिशन कैसी थी उसकी, सेम रही, ठीक है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ। जैसे कि हमने उसको बीच में से फाड़ दिया, तो हो सकता है उसकी शेप चेंज हो गई हो, क्या चेंज हो गई उसकी शेप, और शेप एक आउटर कैरेक्टर जिसको हम बाहर से देख के बता सकते हैं, तो बाहर से देख के बता रहे हैं हम, इसका मतलब वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो टेयरिंग ऑफ पेपर भी किसका एग्जाम्पल हो गया, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में, इनके एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। केमिकल चेंज में लिख दिया मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज में लिख दिया रस्टिंग ऑफ आयरन। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना, कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, और आगे यूज होगा इस टॉपिक का, आगे हायर क्लासेस में भी इस टॉपिक का यूज होता है, बहुत जगह पर आप इसको स्टडी करोगे, ठीक है। या तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ध्यान से समझना इनको। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल चेंज। तो चलिए केमिकल चेंज की डेफिनेशन देखते हैं हम। तो द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर, ठीक है, द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, एंड आइडेंटिटी, और अपनी पहचान को, पहचान को भी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस, और क्या कर रहा है, एक नए केमिकल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहा है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और नया सब्सटेंस जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, अलग है, किससे अलग है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, जो क्या था हमारा, ओरिजिनल सब्सटेंस था, आर नोन एज केमिकल चेंज। तो उन चेंज को हम क्या नाम देंगे, केमिकल चेंज नाम देंगे। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, केमिकल चेंज द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज केमिकल चेंज। समझ में आया सभी को, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में क्या होना, रस्टिंग हो जाना, ये हमने केमिकल रिएक्शन की जब डेफिनेशन पढ़ी वहां पर एग्जाम्पल्स में स्टडी किया था बहुत अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट बर्निंग ऑफ कोयल, कोल, कुकिंग ऑफ फूड और कन्वर्सन ऑफ मिल्क इंटू कर्ड या फिर और कोई मिल्क का प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो ये सारे एग्जाम्पल सेम है, सारे
सारे एग्जांपल्स क्या है, सेम है। कौन से एग्जांपल से, जो हमने केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स पढ़े थे वो एग्जांपल्स, और जो केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं सभी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जहां पर केमिकल रिएक्शन होगी, जहां पर क्या होगी केमिकल रिएक्शन होगी, वहां पर क्या होगा केमिकल चेंज होगा। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो वहां भी पढ़ा था हमने कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होता है केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अब देखो केमिकल चेंज के अंदर, केमिकल चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंज हो गई होगा, लेकिन साथ में यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज हो सकता है, यानी कि यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज में चेंज हो सकता है। लेकिन फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस। तो स्टूडेंट सभी को समझ में आया फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट एक पॉइंट है हमारे पास, इसको स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड। हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, एक नई डेफिनेशन हमारे पास, ठीक है, अगर वो डेफिनेशन याद ना रहे तो आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए इस डेफिनेशन को स्टडी करते हैं हम। केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जहां पर पुराने बॉन्ड्स यानी कि ओल्ड बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और उनकी जगह पर क्या बनते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, उनकी जगह पर नए बॉन्ड्स बनते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल रिएक्शन नाम देते हैं। सो स्टूडेंट्स इसको हम एग्जाम्पल्स के फॉर्म में और अच्छे से स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स एक बार स्नैपशॉट ले ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके ये सभी नोट्स कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो हमने भी पीछे डेफिनेशन पढ़ी है केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो चलिए इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल्स की फॉर्म में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को आपस में क्या करा दिया, रिएक्ट करा दिया, और जैसे ही दोनों को रिएक्ट कराया गया तो हमें क्या मिला, एक नया सब्सटेंस मिला वोटर। क्या मिला हमें, एक नया सब्सटेंस मिला वोटर। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ते हैं हम बॉन्ड्स की फॉर्म में, कि बॉन्ड्स की फॉर्म में क्या होगा यहाँ पे। अब मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, हम हाइड्रोजन से कुछ चीज बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो होती है वो हमें मिलती है H2 की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में मिलती है, H2 की फॉर्म में। बिल्कुल सेम ऐसे जो ऑक्सीजन होती है वो उसका सिंबल होता है O, और वो हमें मिलती है O2 की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलती है हमें, O2 की फॉर्म में। अब वोटर की मैं बात करूं तो वोटर का फॉर्मूला होता है H2O, वोटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। अब देखो अगर किसी को समझ में नहीं आया है, ठीक है, किसी के अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, जो 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम थी जो नहीं पढ़ पाया वो अच्छे से, कि यहाँ पे टू कहाँ से आया, ठीक है, H2O था, यहाँ पे टू कहाँ से आया, यहाँ पे कुछ क्यों नहीं है, यहाँ पे टू कहाँ से आया, ठीक है, ये आपस में कैसे मिले। तो अगर ये सब आपको समझना है, पढ़ना है, तो मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जहां पर होंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स फॉर क्लास 10th। क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं या जो बेस प्रिपेयर करते हैं, उन कंसेप्ट्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगा, जिसको आप देखकर अगर किसी के बेस क्लियर नहीं है, बहुत वीक है केमिस्ट्री में, तो उस वीडियो को वो जरूर देखे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम इसको स्टडी करते हैं। तो हमने रिएक्शन लिख ली, ठीक है, सिंबल्स की फॉर्म में लिख ली। अब बात करते हैं बॉन्ड की, अब हमें इस रिएक्शन को लिखते हैं बॉन्ड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है हमारा नंबर 1 एलिमेंट, हमने पढ़ा है 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट, ठीक है, 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं या अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, और उनमें से जो सबसे पहले नंबर का एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है,
अब देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है उसका 1। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक नंबर? 1 होता है। 1 का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में एटम्स। ठीक है, एटम्स क्या पढ़ा आपने? एटम्स पढ़ा, आपने एक टर्म पढ़ी होगी वहां पे एटम्स। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अब जो एटम्स होते हैं, एटम्स को पहले हम क्या नहीं कर सकते थे, उसको डिविजिबल नहीं था। एटम क्या था? इंडिविजिबल था। ठीक है, जो पहले हमने पढ़ा, लेकिन जैसे जैसे आगे रिसर्च होती गई, साइंटिस्ट ने रिसर्च की, तो हमें पता चला कि हम जो एटम है ना उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? हम ब्रेक कर सकते हैं, या एटम इज डिविजिबल। और एटम 3 पार्ट में डिविजिबल होता है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। सेकेंड वन इज प्रोटॉन्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन्स, जो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, किसके? एटम के। इनको हम और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, जो मेरी बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो होगी। ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छे से मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा इन सभी चीजों को। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसका जितना एटॉमिक नंबर, इसका मतलब उसके पास उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। उसके पास उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एक एटम है, एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई, यहाँ पे क्या हुई? एक केमिकल रिएक्शन हुई। अब जो इस रिएक्शन में जो ये क्या थे, अब इनको हम बोलते हैं मोलिक्यूल्स। ये क्या है? हमारे पास मोलिक्यूल्स है, ये भी मोलिक्यूल, ये भी मोलिक्यूल, और एक ये भी मोलिक्यूल। ये होता है हाइड्रोजन का मोलिक्यूल, ये होता है ऑक्सीजन का मोलिक्यूल, और ये होता है वाटर का मोलिक्यूल। ठीक है, मोलिक्यूल क्या होता है, ये मैं आपको उस बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में अच्छे से स्टडी कराऊंगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे आपस में 2 एटम्स जुड़े हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स जुड़े हैं? 2 एटम्स जुड़े हैं। लेकिन ये 2 क्यों जुड़े आपस में? 3 क्यों नहीं जुड़े? 4 क्यों नहीं जुड़े? ये अकेला क्यों नहीं रहा? ये जुड़ा क्यों? दूसरे हाइड्रोजन के साथ में ये जुड़ा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो अकेला हाइड्रोजन होता है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो अकेला हाइड्रोजन होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इस वजह से वो क्या होता है? अनस्टेबल। क्या होता है वो? अनस्टेबल, यानी कि स्थिर नहीं होता है। तो खुद को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है? दूसरे हाइड्रोजन के साथ में, या किसी दूसरे एटम के साथ में वो कर लेता है दोस्ती। क्या कर लेता है वो? वो कर लेता है दोस्ती, और इस दोस्ती को हमने नाम दिया है बॉन्ड। इस दोस्ती को क्या नाम दिया है हमने? बॉन्ड। इस दोस्ती को हमने नाम दिया बॉन्ड, या सिंपल हम इसको बोल सकते हैं अकेमिकल बॉन्ड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अकेमिकल बॉन्ड। तो मैं लिख रहा हूं, इसको हमने नाम दिया बॉन्ड। ठीक है, और ये बॉन्ड असल में है क्या? ये है दोस्ती दोनों के बीच में, लेकिन इस दोस्ती में हो क्या रहा है? इस दोस्ती में हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन शेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे? शेयर हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं शेयर। अब देखो, इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, लेकिन इसके पास था एक। इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, लेकिन इसके पास क्या था? एक ही था। तो इनको 2 चाहिए थे, तो दूसरा क्या किया? इन्होंने आपस में दोस्ती कर ली और अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ में शेयर कर लिया। क्या कर लिया? एक दूसरे के साथ में इनको शेयर कर लिया, और शेयर करने के बीच वजह से इनके बीच में एक दोस्ती हो गई, और उस दोस्ती को हमने नाम दिया बॉन्ड, या सिंपल केमिकल बॉन्ड। ठीक है, बिल्कुल सेम केस कहां पर हुआ? ऑक्सीजन के साथ में हुआ। बिल्कुल सेम केस कहां पर हुआ? ऑक्सीजन के साथ में हुआ, जो ये O2 था। ठीक है, यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जुड़ गए, उन्होंने आपस में क्या कर ली? दोस्ती कर ली, और दोस्ती कर ली तो उनके बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया उनके बीच में? डबल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बना, लेकिन वो कैसा बना? डबल, यानी कि उनके बीच में जो दोस्ती हुई बहुत गहरी हुई, उनके बीच में जो दोस्ती हुई बहुत गहरी हुई, या मजबूत दोस्ती हुई, और इसलिए उनके बीच में कैसा बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड बना। अब देखो, डबल बॉन्ड क्यों बना यहाँ पे? यहाँ पे डबल बॉन्ड
क्यों बना, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। कितना होता है? 8। एटॉमिक नंबर क्या बताता है हमको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बताता है हमको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की सेल्स में क्या करेंगे, जब हम इन ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स को उसकी शेल्स, यहाँ पे सेल्स नहीं है, यहाँ पे है शेल्स, SHELLS, यहाँ पे है सेल्स, ठीक है। जब इन सेल्स में इनको क्या करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे एक तरह से, तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी वहां पर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से कुछ क्लासिफिकेशन होगा 2 6। लेकिन जो ये शेल थी इनको हम नाम देते हैं, पहली को के उसको एल। तो एल में रिक्वायरमेंट होती है 8 की। इसकी रिक्वायरमेंट होती है 8 की, लेकिन यहाँ पर है 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है और कम है, इसका मतलब ये क्या है? अनस्टेबल है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ में जुड़ जाता है और उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है या शेयर कर लेता है? 2 को। इसलिए यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना? यहाँ पे बना डबल बॉन्ड। और बिल्कुल सेम यहाँ पर हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में बना सिंगल बॉन्ड और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए? शेयर हो गए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बॉन्ड था, चलो अब इसको बैलेंस करते हैं, पहले इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आगे टॉपिक है हमारा कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना देखते हैं, ठीक है। ये हो गई बैलेंस। अब देखो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, तो हम दोनों के एक ही मैंने बना रखा है, एक ये बना दिया मैंने। अब यहाँ पे 2 से एक ये और एक और ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखो बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, ठीक है। तो कितने बॉन्ड हो गए? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड हो गए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, एक बॉन्ड किसके बीच में? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। अब उधर देखते हैं, बॉन्ड किसके बीच में है? ओ एंड एच के बीच में, ओ एंड एच के बीच में, ओ एंड एच के बीच में, ओ एंड एच के बीच में। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड्स हो गए। कितने बॉन्ड्स हो गए? 4 बॉन्ड्स हो गए। अब देखो टोटल बॉन्ड्स, यहाँ पे थे 3 बॉन्ड्स और कैसे थे? ओल्ड थे। ये कैसे थे? ओल्ड बॉन्ड्स थे, ठीक है। अब देखो आगे, ये कैसे बॉन्ड बने हमारे? ये बने न्यू बॉन्ड्स। ये कैसे बॉन्ड्स बने हमारे? न्यू बॉन्ड्स बने, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड सूख जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। अब देखो पुराने बॉन्ड और बन गए क्या? नए बॉन्ड। क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड सेम है पहले वाला? नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो स्टूडेंट समझ में आया कैसे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है, और आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे।